हेलो फ्रेंड्स, यस्टरडे वी लर्नड, वी सॉल्व क्वेश्चन डी एंड ई, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन एफ। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Read the invitation card for Rashid's 10th birthday party. Then write sentences about the card as instructed. Write two sentences with. Okay. There is Rashid's 10th birthday party. Look at the card. तो उस कार्ड पे हमको क्या करना है? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सबके दो दो सेंटेंस लिखने हैं। ओके, तो पहले पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के उन्होंने एक सेंटेंस हमको लिख के दिया है, आई रिसीव्ड एन इनविटेशन कार्ड टुडे। I received an invitation card today. और दूसरा सेंटेंस है, I will dress up as Cinderella. I will dress up as Cinderella. ये हो गए पर्सनल के दो। पजेसिव प्रोनाउंस के, राशिद बर्थडे कम्स 2 months आफ्टर माइन, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउंस हो गया। मेनी फ्रेंड्स ऑफ आवर्स विल बी देयर। ओके, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दैट इज एन इन्विटेशन कार्ड। This promises to be a very exciting party. And interrogative, which character will you dress up as? And who will drop you at Rashid's place? Rashid's birthday party place, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दो दो sentence personal pronouns के, पजेसिव प्रोनाउंस के, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। तो ये सब अपने नोटबुक में लिख के ले लो। ओके, नाउ क्वेश्चन जी। क्या पहले उन्होंने हमको कुछ नया सीखने को दिया है? Like a passage, read these sentences. I looked at myself in the mirror. I looked at myself in the mirror. Did you enjoy yourself at the party? In both sentences, the person who does the action, I and you, is also the person who received the action. Dekho, first sentence mein I looked at myself. खुद का ही है, मैंने खुद को आईने में देखा। डिड यू एंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, मतलब दोनों में जो भी एक्शन कर रहा है वो भी आई और यू है, और जिसके पास एक्शन पहुंच रही है वो भी माई सेल्फ और यूर सेल्फ, वो भी उसी का पार्ट है। सच प्रोनाउंस वेयर द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इफेक्ट्स
द सब्जेक्ट इट्सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट्सेल्फ, हर सेल्फ एंड हिम सेल्फ। दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। आई माई सेल्फ बेक्ड दिस केक, यू यूअर सेल्फ डिड ऑल द वर्क। इन दिस टू सेंटेंसेस द वर्ड्स माई सेल्फ एंड यूअर सेल्फ डो नॉट रिसीव द एक्शन। ओके, इस सेंटेंस में वो एक्शन रिसीव नहीं कर रहे हैं। दे आर यूज टू स्ट्रेस और इम्पेसाइज द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है उसको ही स्ट्रेस कर रहे हैं, इम्पेसाइज कर रहे हैं, है ना? तो उसको इम्फैटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। और जो बाकी के हैं जो एक्शन रिसीव करते हैं अलग से, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन जी, क्लिक एंड चूज द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट्स, राइट रिफ्लेक्सिव। ओके, आई myself, ourself, wrote this poem. I, myself, ourself, wrote this poem. कौन सा आएगा? Myself, I को कौन सा आएगा? Myself. Okay. आप देख सकते हो इधर myself आएगा और ये जो है emphatic है, क्योंकि आई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जल्दी से आया है, तो ये इम्फैटिक है, इम्फैटिक। ओके, द किटन लिक्ड माई सेल्फ इट्सेल्फ, तो इसको इट्सेल्फ आएगा, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं तो उसको इट यूज किया जाता है, तो इसका इट्सेल्फ। और इसका आएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो एक्शन रिसीव कर रहा है। आई वॉज हंग्री सो आई मेड सम लंच फॉर माई सेल्फ हिमसेल्फ, तो इधर आएगा माई सेल्फ, क्योंकि आई इज द सब्जेक्ट। ओके, माई सेल्फ, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। ओके, मेड द अनाउंसमेंट, ये आएगा इम्फैटिक। अमी हर्ट हरसेल्फ योरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग सॉकर इन स्कूल, तो ये आएगा हरसेल्फ। अमी इज द गर्ल, देयरफॉर हरसेल्फ एंड this is reflexive pronouns. My uncle went trekking in Uttarakhand by ourselves, himself. तो himself आएगा, क्योंकि uncle singular है और ourselves plural है, तो himself आएगा, himself भी singular है। My uncle went trekking in Uttarakhand by himself, तो इसका आएगा reflexive, reflexive आएगा। ओके, तो आपको ये आप इधर देख सकते हो आंसर्स। आई माई सेल्फ रोट दिस पोएम इम्फैटिक, द किटन लिक्ड इट्सेल्फ रिफ्लेक्सिव, आई वॉज हंग्री सो आई मेड सम लंच फॉर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ मेड द अनाउंसमेंट इम्फैटिक, माई हर्ट अमी हर्ट हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव, माई अंकल वेंट ट्रेकिंग इन उत्तराखंड बाई हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव। तो ये जी क्वेश्चन
पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न क्वेश्चन एच, क्वेश्चन आई एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द वर्कशीट्स। ओके, थैंक यू।